दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं और मेरे साथ भाई रहमान है और उसका लड़का है कदीर और ये भाई ज़ुल्फ़िकार अली, इसको हम प्यार से भुट्टा कहते हैं। और हमारे साथ हैं शाहनवास। तो आज बारिश का मौसम है और निकले हैं सारे वहीं थरपारकर की तरफ, क्योंकि बारिशों का जो मज़ा है वो तो थरपारकर की तरफ ही है। तो आज बारिश भी बहुत तेज़ है, इतनी ज़्यादा बारिश है, इंजॉय भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि बारिश बहुत है, कहीं रास्ते में मुश्किल ना आ जाए। खैर, अल्लाह पे उम्मीद है। और निकले हैं मदीन से और चल रहे हैं थरपारकर की तरफ। तो बाहर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, बारिश वाला, जो बहुत बारिश है। दोस्तों गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन देख रहे हैं आप, बहुत बारिश है, बड़ी बारिश तेज़ है। और मदीन में ही है, अभी मदीन से निकले हैं तो चल रहे हैं थरपारकर की तरफ। देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इस मौसम का मज़ा लेते हैं। दोस्तों हम एक जगह रुके हैं, ये होटल है, थोड़ा चाय पीते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये है कदीर भाई, और भाई है हमारी, चाय आ गई है। ज़ुल्फ़िकार भाई जियो। दोस्तों हम जैसे ही थर में एंटर हुए तो खूबसूरत रोडों के साथ साथ खूबसूरत और ग्रीन दरख्तों ने हमें वेलकम कहा, और हम उन दरख्तों के बीच से गुजरते हुए जा रहे थे थरपारकर की तरफ और एंजॉय करते हुए, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और बादलों वाला मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश भी चल रही थी। तो एंजॉय करते हुए हम थरपारकर की तरफ चल रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। दोस्तों हम जैसे जैसे जा रहे थे तो ये रोड इतने हसीन लग रहे थे, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे, तो इतना मज़ा आ रहा था और इनकी खूबसूरती को देख के और इन्जॉय कर रहे थे और मज़ा आ रहा था। आप ही देखें कितने खूबसूरत रोड हैं। दोस्तों हमारा सफ़र अभी जारी है और मिट्टी हमने क्रॉस कर लिया है। ज़ुल्फ़िकार भाई कहाँ घूमो? थैंक यू। हाँ घूमना हो जा, और बारिश भी चल रही है और हम भी चल रहे हैं, जा रहे हैं। ये थरपारकर का थोड़ा नया रूट है हमारा, वैसे तो हम लंगर पारकर या कारूंजर तो गए हुए, वो ब्लॉग आपने मेरे देखे भी होंगे, लेकिन ये अलग सा रूट है। हम उस तरफ चल रहे हैं, ये उमरकोट की साइड पे जाएंगे हम, तो उसी तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल नया रूट है। तो उसके भी थोड़े आपको व्यू में दिखाता हूँ, और बड़ा ही खूबसूरत बारिश के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में सिंध के अंदर थर को बड़ा ही खूबसूरत माना जाता है। ये थर वाला एरिया, यहाँ पानी तो नहीं होता लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी होती है, और ये डिज़र्ट वाला एरिया है, यानी दुबई से भी ये खूबसूरत डिज़र्ट वाला एरिया है, क्योंकि दुबई में तो सिर्फ रेत है, यहाँ रेत तो है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर घास होती है, दरख्त हैं, और भी यहाँ लोकल जो इनके इस एरिया में जो दरख्त होते हैं वो और कहीं नहीं होती, तो उनकी खूबसूरती को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे तो मैं थर को काफ़ी अरसे से घूम रहा हूँ, कई सालों से आता हूँ जाता हूँ क्योंकि करीब है, लेकिन इस बार जो थर मुझे नज़र आया, उसकी खूबसूरती जो नज़र आई, ऐसी मैंने लाइफ में पहले कभी फील नहीं की, कभी नहीं देखी। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं भी करता था तब भी मैं थर आया करता था, यानी मैं थरपारकर कोई 90s से लेके अभी तक आ रहा हूँ जा रहा हूँ, उसकी खूबसूरती जो आज मुझे नज़र आ रही है ऐसी लाइफ में पहले कभी नज़र नहीं आई। और ये एरिया वैसे भी नया है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, और इसकी वाकई एक अपनी नेचर है, अपनी खूबसूरती है।
दोस्तों, थरपारकर के अंदर जो घर होते हैं, यानी यहाँ के लोगों के जो अपने हाउसेस होते हैं, उनकी एक अपनी नेचर है और वो उनकी डिज़ाइन भी एक अपनी है जो सिर्फ यहीं पे बनती है और कहीं नहीं ऐसी डिज़ाइन बनती है। तो वो घर जो हमने देखे वो भी हमें बड़ा अच्छा फील हो रहे थे, क्योंकि इनकी एक अपनी नेचर है और ऐसे जो लकड़ी के बने हुए घर जो हमने देखे, अपना मज़ा दे रहे थे, एक अपनी नेचर फील करवा रहे थे। दोस्तों, हम एक जगह पे रुके हैं और बारिश अभी थोड़ी थोड़ी सी चल रही है, लेकिन यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक्चुअल थरपारकर वाला जो एरिया कहें वो है। यहाँ पे बारिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन फील ऐसे होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम बारिशें हुई है, क्योंकि बारिश अभी भी चल रही है और ये बिल्कुल रेत वाला एरिया है। तो यहाँ जितनी भी बारिश होती है पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई भी है। तो यहाँ की जो नेचर है बहुत ही खूबसूरत नेचर है, और ये आप मोर के आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पे मोर, हर्न और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको देखते हुए एंजॉय करते हुए हम आगे जा रहे हैं और जाएंगे एक दोस्त के पास, फिर वहाँ से उमरकोट की तरफ चलेंगे, जो बड़ा ही पुराना सा कोट है, वहाँ चलते हैं। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, ये देखें थरपारकर का एक बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू, और ऐसे कई सारे व्यू देखे हम, क्योंकि हर आधे किलोमीटर पे एक ऐसा ही व्यू नज़र आ रहा था। और ये पूरा थरपारकर ऐसे ही एक तो ग्रीन नज़र आ रहा था, लेकिन उसके सिवाय इसकी जो डिज़र्ट वाले पहाड़ बने हुए थे तो उनकी एक अपनी खूबसूरती थी, और उन खूबसूरती को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये जो हाउसेज हैं यहाँ पे, यानी हमें हर गांव में, हर घर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मोर नज़र आ रहे थे, और उन मोरों की एक अपनी नेचर है, अपनी खूबसूरती है, और बड़ा अच्छा साउंड निकाल रहे थे, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों, बारिश में हमें अक्सर जगहों पे ऐसे ही माल मवेशी नज़र आ रही थी जो रोड पे चल रहे थे और अपना चारा चल रहे थे। तो ये एक रूरल एरिया की अपनी एक नेचर थी जो भी हमें बड़ी अच्छी लग रही थी, अच्छा फील हो रहा था। तो इस तरह से कई जगहों पे हमें लाइव स्टॉक नज़र आया। दोस्तों, देखा जाए तो थरपारकर हमें हर जगह हर लिहाज से खूबसूरत नज़र आ रहा था। इसकी नेचर, इसकी ग्रीनरी और इसका डिज़र्ट वाला एरिया, पहाड़, दरख्त, हरियाली, घास, मतलब कि हर नई चीज़ हमें नए अंदाज से दिख रही थी। तो हम इसको बड़ा एंजॉय कर रहे थे, कहीं पे पहाड़ नज़र आ रहे थे तो कहीं पे उनकी ऊंचाई नज़र आ रही थी, और कहीं पे फ्लैट, छोटा छोटा था फ्लैट वाला एरिया भी नज़र आ रहा था। वहाँ पे हर जगह पे हमें ग्रीनरी, खूबसूरत दरख्त और पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहे थे। तो उनको देख के हमें बड़ा मज़ा आ रहा था और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। ख़ास तौर पे हर जगह पे हमें जो लाइव स्टॉक नज़र आ रहा था, या उनके जो कच्चे घर बने हुए थे, उनकी भी एक अपनी खूबसूरती और अपनी एक नेचर थी। दोस्तों, ये वही गांव है जहाँ पे हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, और इसका गांव देख के हमें बड़ा अच्छा फील हुआ। लाइफ में पहली मरतबा हम इसके गांव आए, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। और ये सारे गांव वाले हमसे मिलने आए और हमसे मुलाकात की, हमारी अच्छी खातरदारी की, हमें खाना वाना भी खिलाया और बहुत इज्जत दी लोगों ने, बहुत प्यार दिया। और दोस्तों, इस गांव वालों से मिलने के बाद, अपने दोस्तों से मिलने के बाद, हम वापस हुए उसी गाँव से, और हमारी वापसी हुई उन्हीं रास्तों पर, हम वापस आने लगे। इस बार हमने अपना रूट चेंज किया था और हम मिट्टी के बजाय उमरकोट की तरफ निकले थे, और वहीं से हम अपने घर आने लगे।